सबसे पहले बात हम कोरोना की करते हैं। यूपी में जहां एक तरफ कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है तो ब्लैक फंगस की स्पीड ने अब चिंताएं बढ़ा दी हैं। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 3371 नए मामले सामने आए, इस दौरान 10,540 मरीज ठीक होकर अपने घर भी गए, तो प्रदेश में ब्लैक फंगस का आंकड़ा 800 के पार पहुंच गया है। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 75% से घटकर 62,271 पहुंच गई है, तो ब्लैक फंगस लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। तो कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है, पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम हुआ है, लेकिन ब्लैक फंगस एक बड़ी चिंता, एक बड़ी बीमारी के शक्ल अख्तियार करता जा रहा है और धीरे धीरे इसके केसेस बढ़ रहे हैं। 500 से बढ़कर अब 800 के पार मामले जा पहुंचे हैं। पूरे यूपी में 800 से ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के हैं। हालांकि राहत भरी खबर ये कि कोरोना संक्रमण अब घटने की ओर जाता दिखाई देता है। पिछले 24 घंटों में 3371 नए मामले सामने आए और 10,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 62,000 के पार है। पिछले 24 घंटे में 3371 नए केस सामने आए हैं पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो, जबकि 3,58,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटों में। 10,540 मरीजों ने कोरोना को मात दी है, वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। टेस्टिंग बढ़ी है ऐसा दावा किया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि 24 घंटे में जो संक्रमण की रफ्तार है, नए संक्रमितों की संख्या, वो हर दिन घट रही है। यूपी में कोरोना का अपडेट आप जान लीजिए। पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, 45 से ज्यादा लोगों की जान अब तक ब्लैक फंगस हालांकि ले चुका है। ब्लैक फंगस एक नया खतरा, तेजी से इसके मामले बढ़ रहे हैं, इसने अलग चिंताएं बढ़ाई हुई हैं। इसकी दवाइयों और इंजेक्शंस को लेकर भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और वो मरीजों तक पहुंचे, उसकी कालाबाजारी ना हो, उसके भी इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे तीन सहयोगी अलग अलग स्थानों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, आगरा से नितिन उपाध्याय और कानपुर से रतीश त्रिवेदी। पहले हम शैलेश के पास चलते हैं, लखनऊ चलते हैं। लखनऊ का हाल बताइए शैलेश, कि कितने 24 घंटे में वहां पर ब्लैक फंगस के नए मामले आए हैं, कितने कोरोना के नए मामले आए हैं, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की क्या स्थिति है, ये सब कुछ विस्तार से बताइए। राजन, 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो कोरोना के 129 नए मामले सामने आए हैं। पिछले दो महीने में अगर देखें तो ये सबसे कम मामले हैं, करीब 65 से 66 दिन के बाद इतने कम मामले सामने आए हैं। बात अगर ब्लैक फंगस की करते हैं तो 24 घंटे में 25 नए मामले आए हैं और ब्लैक फंगस के हिसाब से अगर देखें तो बहुत बड़ी संख्या है। 5 मरीजों की लखनऊ में मौत भी हुई है 24 घंटे के दौरान। और सबसे बड़ी बात जो आपने अभी की इंजेक्शन को लेकर मारामारी किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालात ये हैं कि करीब 70 से 80 लोगों को अनुमति पत्र मिल चुका है निजी अस्पतालों के, जिन्हें इंजेक्शन चाहिए, और किसी को एक डोज मिली है, किसी को एक दिन की भी डोज नहीं मिल पाई है। एक बार में कभी 25 इंजेक्शन आते हैं, कभी 22 आते हैं, और अगर आप जो मानक है जिस तरह से अनुमति पत्र जारी होता है उसको देखें तो 2 आदमी की डोज भी नहीं है ये, क्योंकि एक आदमी को 18 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है जो एक बार में जारी करने के लिए कहा गया है। अगर 22 इंजेक्शन आते हैं और एक ही आदमी को डोज दे दिया है तो दूसरे मरीज को नहीं मिल सकती। लेकिन इसी वजह से इस चीज़ को बांटा गया कि 3 दिन की जगह सिर्फ 1 दिन की डोज दी जा रही है, दूसरी डोज के लिए फिर वो चक्कर लगा रहे हैं, इलाज ब्रेक हो रहा है बीच में, मरीजों की हालत बिगड़ रही है, और शायद ये भी एक बड़ी वजह है जो मरीजों की मौत का आंकड़ा भी ब्लैक फंगस से बढ़ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब इलाज नहीं होगा सही से तो फिर इसी तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो एक बड़ी चुनौती है जो प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग है, उनका भी ये कहना है कि जितनी केंद्र से आपूर्ति हो रही है, क्योंकि इस दवा की अगर बात की जाए पहले जो आवश्यकता होती थी जितनी कभी महीनों में हुआ करती थी उतनी आज एक दिन में आ रही है, तो इतनी बड़ी चुनौती है सामना कैसे होगा। जो कंपनी इस इंजेक्शन को तैयार करती है उससे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन आखिर ये कैसे संभव होगा, कैसे इसकी डोज बढ़ेगी, ये अभी किसी को नहीं मालूम है। कह सकते हैं कि कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक जो कोशिशें की जा रही है उससे मरीजों को राहत नहीं मिल पा रही है। हाँ। मरीज भटक रहे हैं, जो मरीजों के तीमारदार हैं वो भटक रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं इलाज के लिए, और इसी बीच कई मरीज दम भी तोड़ रहे हैं। वाकई शैलेश, ये स्थिति अपने आप में बहुत बड़ी चिंताजनक, बहुत विकट स्थिति। एक तो पेशेंट भर्ती है और ऊपर से इंतजामों के लिए यदि दर दर दफ्तर दफ्तर चक्कर काटने पड़े। कानपुर का रुख करेंगे, रतीश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। रतीश, कानपुर में कोरोना और ब्लैक फंगस दोनों की फिलहाल क्या स्थिति है और सरकारी इंतजाम क्या काफी है दवाइयों के लिहाज से, बेड के लिहाज से?
बिल्कुल, देखिए कानपुर में सबसे पहले आपको कोरोना की स्थिति बताते हैं कि पिछले कानपुर को बड़ी राहत मिली है। बुधवार की अगर बात की जाए तो बुधवार को 54 दिन बाद कोई मौत दर्ज नहीं की गई है। मंगलवार को 2 मौतें हुई थी लेकिन बुधवार को कोई मौत नहीं हुई है। अगर एक्टिव केसेस की नए केसेस की बात की जाए तो 72 नए संक्रमित केसेस कल मिले हैं। 2 अप्रैल के बाद से अगर बात की जाए तो अब तक 877 लोगों की मौत हुई है। कुल मिलाकर के कोरोना के जो दूसरी वेव है वो ढलान पर साफ तौर पर देखी जा रही है। और ब्लैक फंगस की अगर बात की जाए तो ब्लैक फंगस का को लेकर के दवाइयों की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है। जो प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर आर बी कमल, उनका साफ कहना है कि 100 इंजेक्शन उनको मिले थे, 100 इंजेक्शन में 42 इंजेक्शन उनके पास हैं लेकिन 20 से ज़्यादा मरीज हैलट अस्पताल में ही केवल भर्ती हैं। दावा ज़रूर कर रहे हैं, उनका यह भी कहना है कि 30 इंजेक्शन उन्होंने एक बार फिर से डिमांड रखी थी, फार्मासिस्ट को भेज दिया गया था लखनऊ लेकिन उनको नहीं सप्लाई हुई मेडिकल कॉरपोरेशन के द्वारा। इसके बाद 500 नए इंजेक्शन की और उन्होंने डिमांड प्रशासन से रखी है जिस पर वार्ता चल रही है। कल ही हमने अपने एपी गंगा में दिखाया था अपने दर्शकों को कि कानपुर में भी दवाइयों की काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। ब्लैक फंगस की 4 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 25 के आसपास जो मरीज़ हैं उनका इलाज कानपुर में चल रहा है विभिन्न अस्पतालों में, लेकिन दवाइयों की शॉर्टेज एक बड़ी समस्या है और दवाइयों की आपूर्ति न हो पाने के कारण जो ब्लैक फंगस के मरीज़ हैं उनका इलाज प्रभावित हो रहा है। कोरोना से ज़रूर राहत मिल रही है, कोरोना की सेकेंड वेव जरूर ढलान पर है लेकिन ब्लैक फंगस के बढ़ते मरीज़ समस्या को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर्स को साफ तौर पर निर्देशित कर दिया गया है कि PGI और KGMU के डॉक्टर्स से कंसल्ट करने के बाद ब्लैक फंगस के जो मरीज आ रहे हैं उनका इलाज करा जाए। नोडल सेंटर हैलट अस्पताल को बनाया गया है ब्लैक फंगस का, 30 वार्ड को सुरक्षित कर दिया गया है। जो मरीज आते हैं उनको वहीं पर भर्ती किया जा रहा है लेकिन जब दवाई नहीं मिलेगी तो उपचार का कोई फायदा नहीं होता है। अगर उपचार टाइम पर नहीं मिलेगा, वक्त पर नहीं मिलेगा तो बिल्कुल ठीक बात है, तो फिर समस्या और बढ़ेगी, समस्या और विकराल ही होगी। यही हाल लखनऊ का है, यही हाल कानपुर का है। क्या आगरा में हालात अलग हैं, क्या स्थितियां अलग हैं या वही हैं, ये हम नितिन उपाध्याय से जानेंगे, वहां से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। नितिन, वहां का हाल बताइए। देखिए, अगर कोविड की बात की जाए तो आगरा में जो कोविड है वो बहुत ज्यादा ढलान पर है। कल 23 केसेस आए थे और जो कहा जाए एक्टिव केस हैं वो 598 हैं, यानी 50 से 60 ही बमुश्किल जो केसेस हैं जो पेशेंट हैं वो अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर होम आइसोलेशन में। लेकिन सवाल ये है कि ब्लैक फंगस का, देखिए SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संजय काला ने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि हमने 126 इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी के मांगे लेकिन हमें 10 ही मिले। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जिसको जो प्रॉपर डोज मिलनी चाहिए इंजेक्शन की वो नहीं मिल रही है और ऐसे में करीब 32 जो पेशेंट एडमिट हैं उनको क्या मिल पा रहा होगा सभी को इंजेक्शन। यही वजह है कि रोज़ाना एक मौत औसतन ब्लैक फंगस से हो रही है। कुल मिला के कहा जाए दवाइयों की ज़बरदस्त किल्लत है। मंडलायुक्त डिविजनल कमिश्नर को इसका नोडल बनाया गया है कि ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई दवाइयाँ वही वितरित करेंगे और उसके बाद आगरा में SN मेडिकल कॉलेज में ही इसका उपचार है। कोविड और नॉन कोविड दोनों तरह के ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। ENT जो वार्ड है वहाँ नॉन कोविड के मरीज हैं और कोविड हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के जो पोस्ट कोविड मरीज हैं वो भर्ती किए गए। सवाल यही है कि लगातार बाहर इंजेक्शन मिल नहीं रहा है और सरकारी व्यवस्था में इंजेक्शन ऊँट के मुँह में जीरा है, तो कैसे ब्लैक फंगस के मरीजों का उपचार हो रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ी समस्या है। और तीन जगहों से, तीन शहरों में अगर एक ही जैसी स्थिति है नितिन, तो फिर पूरे प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश,